नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वो शो है जिसमें हम आंकड़ों के नजरिए से सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इस वक्त पद्मश्री सम्मान के बाद देश में मुसलमान किधर वोट डालेगा, इसको लेकर चर्चा छिड़ गई है। और वो इसलिए क्योंकि कर्नाटक से ही रशीद कादरी साहब, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी से उम्मीद थी कि यूपीए की सरकार में मुझे पद्मश्री मिलेगा। मैं हमेशा फॉर्म भरता था, आपके आते ही मैंने फॉर्म भरना छोड़ दिया, लेकिन आपने मुझे पद्मश्री से नवाजा है। जिस पर कांग्रेस पार्टी ने तीखा प्रहार किया, कहा कि कर्नाटक में चुनाव है इसीलिए ये सब कुछ कराया गया है। क्या इस आरोप में सच्चाई है? क्या कहते हैं देश के आंकड़े? क्या 2014 से लेकर 2019 के चुनाव में मुस्लिम्स ने देश में बीजेपी के लिए वोट किया था? क्या सबका विश्वास कारगर हो रहा है? जिसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको सुना देते हैं क्या कह रहे थे कादरी साहब, और उसके बाद कैसे प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के प्रहार कर रहे हैं और जवाब दे रही है निर्मला सीतारमण। उसके बाद वो हामी भर गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहेंगे या हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पद्मा अवार्ड लाखों लोग इच्छा रखते हैं, लाखों लोगों के काम भी ऐसा सबको नहीं होता। शायद ये 9 साल यूपीए रही होती तो इनका भी नंबर आता। मैं तो उन्हें बधाई दे रहा हूं, लेकिन ये बयान देना, ये बयान दिलवाना और उसको सुनियोजित ढंग से प्रचारित करना साबित करता है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से ये बयान दिलाया। आप कह रहे हैं बयान दिलवाया गया? मुझे तो लगता यही है कि जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से बयान दिया गया, तमाम लोग तमाम बातें बोले होंगे, पर चूंकि कर्नाटक का चुनाव होने वाला है, माइनॉरिटी की नजर में रख के इसे मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये भाजपा ने अपना चुनाव में कुछ इसका लाभ मिले जो मिलने वाला नहीं है, ये भाजपा का दिलवाया हुआ बयान। कि एक गलत इमेज बीजेपी के ऊपर पिछले 20-25 साल में हवा खड़ा कर दिया, एक इमेज, रूमर बेस्ड इमेज, जबकि प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम सब बार बार बोलते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारा नहीं है, हर एक नागरिक भारतीय है, चाहे वो जिस भगवान को वो प्रार्थना करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी, एमडी एक्सिस माई इंडिया के सेफोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं। सैयद असलम साहब, प्रवक्ता जेडीएस के जुड़ रहे हैं। वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ रहे हैं। दो खास मेहमान आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ गए। तो मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के प्रवक्ता, यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ आज पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज वो कार्यक्रम है जिसमें हम पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी, जी हाँ, किसकी कितनी लोकप्रियता, इसी को देखकर आंकड़ों के नजरिए से मुद्दे पर बहस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए करते हैं आंकड़ों की बौछार। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस देश में मुस्लिम मतदाता अपना वोट देते हैं। तो सबसे पहला आंकड़ा जो हम आपके सामने रखने वाले हैं वो है लोकसभा चुनाव के, और देश के मुसलमानों का साथ किसको मिलता है। सबसे पहले 2009 का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, जब यूपीए की सरकार बनी थी और यूपीए की जीत हुई थी, तब 2009 में कांग्रेस पार्टी को 38% मुस्लिम से वोट दिया था और बीजेपी को 4%। लेकिन 2014 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत उतना ही रहा और बीजेपी ने लगभग 5% का इजाफा कर लिया, 9%। वहीं मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर 2019 में 51% एक मुश्त कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और बीजेपी 8% पर 1% नीचे खिसक कर रह गई। अब हम आपको दिखा देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या हाल रहा है, क्योंकि ग्राफ के नजरिए से हम आपको बता देंगे कांग्रेस पार्टी के लिए इजाफा हुआ। पहले तो 38 पर वो रहे, दिखा दीजिए जल्दी से आंकड़ा, 9 और 14 में 38%, लेकिन उसके बाद स्टीप राइज पिछले चुनाव में लोकसभा में 51%, एकमुश्त होकर मुस्लिम मतदाता ने वोट किया कांग्रेस पार्टी को। अब हम आपको दिखा देते हैं बीजेपी का क्या हाल रहा।
चार से नौ पर चढ़े लेकिन फिर नीचे आके आठ पे अटके। ये रहा तीनों ही चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम मतदाता के बीच प्रदर्शन। चार से वो नौ पर गए लेकिन फिर गिरकर आठ फीसदी पर आ गए। अब बात ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये रशीद कादरी साहब जिन्हें पद्मश्री मिला, ये कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग है, 13 को गिनती है। ऐसे में क्या कर्नाटक चुनाव की वजह से प्रायोजित कह रहे हैं इसे प्रमोद तिवारी जी? तो आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं कर्नाटक के आंकड़े क्या कह रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में क्या रहा था हाल? तो जब आप कर्नाटक के आंकड़ों को देखेंगे तो महाराष्ट्र कर्नाटक में 14.5% हम आपको सबसे पहले जनसंख्या बता रहे क्षेत्रवार तरीके से कर्नाटक में मुस्लिम मतदाता का। वहीं हैदराबाद कर्नाटक में लगभग 15.5% है। तटीय इलाके में 16.5%, लगभग 9% समझ लीजिए आप ओल्ड मैसूर में है मुस्लिम मतदाता। सेंट्रल कर्नाटक में लगभग 12.5%। वहीं जब आप देखेंगे बेंगलोर सिटी में 13% मुस्लिम वोटर है। वहीं कुल मिलाकर एवरेज देखिए तो 79 लाख यानी 13% मतदाता कर्नाटक में मुस्लिम वोटर है। क्या वो निर्णायक साबित होंगे अगर कुछ जातीय समीकरण उनका बैठता है? ये 2011 की जनगणना के हिसाब से हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं मुसलमानों का वोट किसको कर्नाटक में मिला था। तो 2018 पिछले चुनाव के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी 17%, 17%, कांग्रेस 67 और जेडीएस को 12% वोट मिला था। 2013 में इससे पहले 13, 50 और 20 रहा था, उससे पहले 16, 52 और 24। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में सबसे ज्यादा 17% मुस्लिम मतदाताओं का कर्नाटक में वोट हासिल किया था। वहीं कांग्रेस फीसदी ने भी सबसे ज्यादा 52 से शुरू हुए थे, 50 पर पहुंचे, लेकिन 67% मुस्लिम वोटर्स ने विधानसभा चुनाव में पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया था। जेडीएस का आंकड़ा फिसल गया और ऐसा प्रतीत होता है कि जेडीएस को वोट करने वाला मुस्लिम वोटर भी कांग्रेस की तरफ चला गया क्योंकि उसे लगा कि जीतने की ताकत इसमें अगर किसी के पास है तो कांग्रेस पार्टी के पास है। अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं मुसलमानों का वोट किसको मिला है। तो लोकसभा चुनाव में 2019 में कांग्रेस जेटीएस गठबंधन को 73%, बीजेपी को 18, लोकसभा चुनाव 2014 कांग्रेस 87 और बीजेपी को 10। जो अगला और आखिरी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि मुस्लिम वोटर कितनी सीटों पर अपना दमखम दिखाता है कर्नाटक में। प्रबल दावेदारी जिसकी तरफ होती है मुस्लिम वोटों की ताकत उनके साथ बन जाती है। तो आबादी 13% है, निर्णायक भूमिका उनकी 13 सीटों पर ही है। ज्यादा असर 13 सीट आउट ऑफ 224, वहीं ज्यादा असर 40 सीटों पर है और थोड़ा बहुत असर उनका 70 सीटों पर होता है। अब शहजाद पूनावाला जी आपके साथ शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे ये कि एक कादरी साहब ने कह दिया कि उनको पंशी नहीं मिला, तो इससे क्या हम मान ले कि आप लोग रीच आउट भी कर रहे हैं अगर आप मुस्लिम किसी व्यक्ति को चुनकर पंशी देते हैं? और आपको ये उम्मीद जग रही है क्या कि अब मुस्लिम वोटर भी बीजेपी में भरोसा दिखाएगा? तो उसकी बुनियाद क्या है इस भरोसे? देखिए अंजना जी, आपका ये शो जो है हनुमान जन्मोत्सव के बाद हो रहा है। हनुमान भक्त तो वैसे हमारे साथ थे ही, पर हनुमान भक्त से लेकर मुसलमान तक, कादरी से लेकर पादरी तक, और पादरी का अर्थ ये है, एंटनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो एक क्रिश्चियन समाज से है ही, परंतु साइरो मालाबार चर्च के पादरी का भी बयान आया। और अभी जो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, ज़्यादातर वहाँ पे जो बहुसंख्यक समाज है वो क्रिश्चियन समाज है, ट्राइबल समाज है। हर जगह कमल क्यों खिल रहा है या कमल को क्यों अपनाया जा रहा है? और कादरी जी की बातों से ही उससे निष्कर्ष निकलता है, तीन निष्कर्ष निकलते हैं। एक कि मुसलमानों का और अल्पसंख्यकों का कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने केवल यूज एंड थ्रो किया, बहुत कैरेट दिया परंतु काम कुछ नहीं किया। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के विषय में, मोदी जी के विषय में एक भ्रम फैलाया गया जो गलत साबित हुआ। और तीसरा, जिस प्रकार से पद्मा अवार्ड पहले परिवार के कुछ लॉबीज को देते थे, आज वो पीपल्स पद्मा में तब्दील हो चुका है। परंतु देखिए, प्रमोद तिवारी जिस प्रकार की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि उनको ये दिलवाया गया, मतलब कि कादरी जी का, इतने बड़े शिल्पकार का, बिदरी शिल्प का, कर्नाटका के पूरे सांस्कृतिक उनकी विरासत का एक अपमान किया गया है। ये पहली बात उनकी मानसिकता को झलकाता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मुसलमान
और अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने आज तक किया क्या है? दंगों के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, चाहे हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव, नैली, दिल्ली। अब यहां पर हमारे भाई खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, इन्हीं के लोग कहते थे कि उद्धव जी सेना के स्वर्गीय पिताजी बाला साहेब ठाकरे जी को ये जिम्मेदार मानते थे मुंबई के दंगों के लिए। आज उन्हीं के साथ वो कृष्ण और कृष्णा रिपोर्ट भी निकली थी, आज उन्हीं के साथ गठबंधन कर बैठे हैं। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 12-13 हजार लोग मारे गए वो कांग्रेस के जमाने में मारे गए, केवल उनको कैरेट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा लीजिए, सबसे ज्यादा अगर खतरनाक स्थिति में कहीं मुसलमान था तो वो उन्हीं स्टेट्स में था जहां पर सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की राजनीति चलती है। और आखिरी बात आपके सवाल पे आते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 और 19 का मैं सीएसडीएस और बाकी डेटा लेकर आया हूं, 87 जो कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है माइनॉरिटी के, हम नहीं मानते ऐसे पर ये क्योंकि उन्होंने यूपीए ने 90 कॉन्सेंट्रेटेड माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, उसमें से 45% जीत हमारी 2014 में हुई थी, 50% जीत हमारी 2019 में हुई थी। इसका मतलब लोकप्रियता बढ़ रही है। और क्यों लोकप्रियता बढ़ रही है, एक आखिरी लाइन में कहता हूं, जब मोदी जी शौचालय भेजते हैं ना तो वो अंजना को भी मिलता है, एंड्रिया को भी मिलता है, आफरीन को भी मिलता है। जब 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं ना तो मोहम्मद को भी मिलता है, मोहित को भी मिलता है, मैथ्यू को भी मिलता है। सबका साथ सबका विकास की ये फिलॉसफी चली है। अगर कर्नाटका में भी अगर 10 सेकंड आप मुझे दे दे, जो भी माइनॉरिटी 25-30% के इलाके हैं, मैं लिस्ट भी लेकर आया हूं और ये उन्हीं के सीएसडीएस के ही आंकड़े हैं। सीएसडीएस ने बताया है शिवाजी नगर जहां पर रोशन बेग एमएलए है, चामराजपेट, शांति नगर, महबूब नगर, नरसिम्हराज नगर, ये सारे ऐसी 22-23 सीट है जहां पर बीजेपी का लगातार 5-10% वोट बढ़ा है। इसका मतलब मुसलमानों ने हमें एक्सेप्ट किया है, वहां पर माइनॉरिटी ने एक्सेप्ट किया है। गुजरात में 19 माइनॉरिटी सीट्स में 17 भारतीय जनता पार्टी जीती। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल, जहां पे सबसे ज्यादा है मुस्लिम पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम बाहुल नहीं है, उत्तर प्रदेश में 2017 में जीत, 2022 में जीत, 2014 में जीत, 2019 में जीत। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी स्वीकृति, हमारी स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम किसी के धर्म के आधार पर नहीं, हम केवल पिछड़ेपन के आधार पर उनके लिए काम करते हैं और जब उनको लाभ मिलता है तो नया वर्ग लाभार्थी का तैयार होता है। आलोक जी, अगर हम सर्वे को देखें, तमाम सर्वे को जोड़े, तो दो बातें सरकार की दिखती हैं। एक तो उनका राष्ट्रवाद का फॉर्मूला जो लोगों के बीच में पहुंचता है, दूसरी उनकी स्कीम्स। और अगर हम स्कीम्स को देखें तो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शहजाद पूनावाला यही समझाते हैं कि जब शौचालय से लेकर किसान आवंटन हो, किसी को किसी भी स्कीम के तहत पैसा या घर या मकान कुछ भी मिलता है तब धर्म नहीं देखा जाता। देखिए क्या काट है, देखिए मुझे लगता है जाति और धर्म की तो बात ही नहीं। जब इतनी स्वकार्यता हो गई तो राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा में 303 सांसद पहुंचे लेकिन एक भी उस समुदाय से नहीं पहुंचा जिसकी बात कर रहे हैं आप। आप 14 में भी यूपी जीते, 19 में भी जीते, 22 में भी जीते, लेकिन एमएलसी कहीं से ढूंढ कर लाना पड़ता है कि कहीं एक कोटा पूरा कर दें। 2-3 लोग थे जो टीवी पर चेहरे नजर आते थे, आजकल वो भी गायब हैं। स्कॉलरशिप घटाने से लेकर और तमाम चीजें हमने देखी कि किस तरह से, आज बयानों की अगर बात करूं मैं इसी समाज के लिए, क्या साहिब सिंह वर्मा के लड़के का बयान याद है आप लोगों को, क्या कहा उन्होंने, क्या वो रामजादे और दूसरा शब्द में नहीं लेना चाहता, उसको 6 महीने के बाद किस तरह से सांसद को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। एक वो पशु के बच्चे की तुलना जो है वो इनके जो वीके सिंह साहब हैं उन्होंने की थी। तमाम ऐसे बयान हैं, मोदी साहब के तमाम बयान हैं जिनके बारे में अगर आप बात करने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। लोगों ने इनको वोट दिया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इनके ऊपर भरोसा जताया, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने कभी भी उस समुदाय के ऊपर भरोसा नहीं जताया। और उसका जीता जागता प्रमाण यह है कि एक मंत्रिमंडल में एक मंत्री नहीं है आपके यहां पर, अगर है तो उसका नाम बताइए। एक सांसद आप संसद में नहीं पहुंचा पाते हैं, अगर इतना भरोसा आपका है उनके ऊपर तो आप उनको टिकट देकर आगे पहुंचाइए ना। एक व्यक्ति थे शहनवाज हुसैन, पिछली बार लोकसभा में उनका भी 2019 में टिकट काट दिया था, क्या यह सच है कि नहीं है? मैं केवल ये कहना चाहूंगा आप काम कीजिए, पूरे समाज के लिए काम कीजिए, लेकिन 80 करोड़ लोगों को आप ही की भाषा में कह रहा हूं फ्री फंड का राशन देकर उसको ये मत बताइए कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि शौचालय सबके घर में बना तो गैस का सिलेंडर भी 1,150 रुपए में सभी के घर पहुंच रहा है। अगर किसानों की बात करें, किसान सम्मान निधि की, तो 16 करोड़ से शुरू हुई थी और अब 3,81,00,000 पर आ गई, लगभग 1/4 यहां पर पूरे आंकड़े आ गए। अब बात आती है कादरी साहब का भी आपने दिखाया, हम तो सोचते थे कि बीजेपी मंत्रिमंडल में केवल विस्तार राज्यों के चुनाव के आधार पर करती है, यूपी का चुनाव हो तो यूपी से मंत्री ले आइए, बिहार का चुनाव हो तो बिहार से मंत्री ले आइए। हमें नहीं पता था कि पद्मश्री जो है और तमाम जो सम्मान थे वो भी अब इस लेवल पर पहुंच जाएंगे
कि मोदी साहब फोटो शूट कराएंगे और एक व्यक्ति का वायरल करके कि हम आपके समाज की मदद कर रहे हैं, आपके समाज को दे रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं शहजाद भाई से, अगर कादरी साहब को कल दिया हम स्वीकार करते हैं उसको, बहुत अच्छा किया आपने किया, लेकिन 9 साल से क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया, जवाब दीजिए शहजाद। 6 साल अटल जी की सरकार रही तब क्यों नहीं किया आपने? मैं जवाब, 15 साल में नहीं किया, अब किया क्योंकि कर्नाटक का चुनाव। सीधा पंची सम्मान पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर आप एक जवाब इससे दीजिए जिससे लोगों को भरोसा। और हाँ, पूरे यूपी में एक आदमी नहीं मिलता आपको टिकट देने के लिए, प्रतिनिधित्व कैसे होगा उस धर्म का, उस समाज का? जी मैं 10 सवाल इनके नोट किए, एक एक करके जवाब देने का अवसर दीजिए। इन्होंने कहा कि पद्मश्री, देखिए मन में जैसी भावना होती है ना वैसी ही मूरत सबको दिखती है, इसीलिए जिन्होंने पैसा दो और पद्मा दो का आकृत्य किया वही समझते हैं। अब इन्होंने कई पत्रकारों को दिया पद्मा अवार्ड, क्या इसीलिए दिया क्योंकि उनको कोई मतलब निकालना था? देखिए सुनिए, क्या काजरी जी ने पैसे दिए? देखिए अंजना जी, मैंने बीच में नहीं बोला, काजरी जी लेकर वो पद्मश्री लेते, अंजना जी मैंने बीच में नहीं बोला, नहीं बहुत बड़ी बात। आलोक जी आप पहले अपना सारा वक्तव्य दे दीजिए फिर मुझे अनइंटरप्टेड जैसे मैंने आपको बड़ी पत्रकारों के ऊपर बात कही, ठीक है उत्तर दीजिए। लेकिन कादरी जी को आप ये आरोप तो नहीं लगा रहे कि पैसे देके लिया है? नहीं मैंने नहीं लगाया, ये नहीं लगाया ना, ठीक बिल्कुल नहीं। अब अंजना जी देखिए डिबेट वो लेन दीजिए, मैं डिबेट करना है या हैकलिंग मैच करनी है आप तय कर लो। अगर डिबेट करना है, मैंने इनकी सारी बातें सुनी, नोट भी किया है, मुझे जवाब देने का अवसर मिले। आलोक जी बहुत अच्छा बोलते हैं, माँ सरस्वती विराजमान है उनके कंठ पर, तो मुझे लगता है वो अपने तर्क को अपने समय पर रख सकते हैं। देखिए अब उन्होंने क्या कहा, और बीच में मत बोलिएगा सर, उन्होंने कहा कि एक भी सांसद नहीं पहुंचाया। गुलाम अली खटाना की गलती क्या यह है? वो पसमांदा समाज से आते हैं, वो गुजर है, उनको हमने राज्यसभा पहुंचाया और गर्व से पहुंचाया, परंतु जिन लोगों ने केवल मुसलमानों में भी केवल एक ही तबके को आगे किया और जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो 90% है मुसलमान समाज के, उनको कभी नहीं देखा, आज वही मानसिकता और प्रवृत्ति नजर में आ रही है। उन्होंने कहा 2-3 TV से चेहरे गायब हो गए, साहब आपके सामने भारतीय मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते खड़ा है आपके सामने। उन्होंने स्कॉलरशिप की बात की, अंजना जी आंकड़ा मैं रखता हूं, 2.33 करोड़ स्कॉलरशिप यूपीए के जमाने में, एनडीए 1 में 2.37 करोड़, पोस्ट मैट्रिक स्कीम में यूपीए 2 में 23,000 पर स्टूडेंट को स्टाइपेंड, एनडीए में मतलब मोदी जी के जमाने में 26,000 रुपए स्टाइपेंड, बजट माइनॉरिटी अफेयर्स का 2013-14 में 3,500 करोड़, 2022-23 में 5,000 करोड़, एएमयू का बजट बीएचयू से भी 200 करोड़ ज्यादा 8,420 करोड़ दिया गया, 125% उसको बढ़ाया गया 2020-21 में, जामिया का 81% बढ़ा 2021 में। ये आंकड़े हैं स्कॉलरशिप और पढ़ाई लिखाई को लेकर, एक सेकंड बात हो जाने दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि एक भी मंत्री नहीं है अल्पसंख्यक समाज से, हरदीप पुरी को अल्पसंख्यक नहीं मानते हम क्या? जॉन बार्ला एमओएस जो माइनॉरिटी अफेयर्स के, उनको अल्पसंख्यक नहीं मानते? और क्या केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक है? मुस्लिम के अलावा क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी भी तो है, इनको सबको निपटा दिया। अब देखिए आते हैं बयानों पर। देखिए परवेश वर्मा जी क्योंकि सांसद है, मैं दिल्ली का एक सोशल मीडिया प्रभारी भी हूं, उनका बयान था कि जो दंगा करते हैं उनका बहिष्कार करो। इनसे मुझे आपत्ति है कि दंगाई केवल एक धर्म से होते हैं, बाय गॉड मतलब कि पूरे मुसलमान समाज को दंगाई कह दिया। क्योंकि मैं परवेश जी का बयान, आप फैक्ट चेक, इंडिया टुडे बहुत अच्छा करता है, आप परवेश जी का बयान चला दो, उन्होंने कहीं मुस्लिम नहीं कहा है, अगर कहा होगा तो मैं माफी मांगता हूं। उनका बयान था दंगाइयों का बहिष्कार होना चाहिए, जनता ने कहा हां होना चाहिए। अनुराग जी ने कहा गद्दारों के साथ क्या हो, जनता ने कहा गद्दारों के साथ ये हो, तो हमने तो किसी समाज का नाम नहीं लिया, पर इन्होंने दंगाई क्यों मुसलमान पकड़ लिए? और आखिरी बात, अगर यही पैमाना है बयानों का, तो हिंदू टेरर कहने वाले लोगों पर क्या होना चाहिए? हिंदू तो आईसिस और बोको हराम होता है, ये तो समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, उस पर क्या कहना है? और आखिरी बात देखिए, उन्होंने पद्मश्री को लेकर जो गंभीर टिप्पणी की है, इनका क्या कहना है कि कादरी जो बीद्र शिल्प के प्रतिपादक है और बीद्र समाज से और कर्नाटका के समाज से है, क्या ये लोग पैसा लेकर या कोई एक छोटा सा पॉलिटिकल गेन लेकर ये अवार्ड लेते हैं? ये कर्नाटका का अपमान है, कर्नाटका के लोगों, ये अपमान जो तिवारी जी और आलोक जी ने किया है इसको भूलिएगा मत। छोटा सा जवाब सर, इसके बाद दोनों तीनों आंकड़ों पर बता देता हूं। जामिया में, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से रेगुलर की कितनी अपॉइंटमेंट हुई है जरा चेक कीजिएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी जो माइनॉरिटी के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कितनी अपॉइंटमेंट हुई है जरा चेक कीजिएगा। 17% का माइनॉरिटी का जो बजट है वो 17% घटा है। आप आंकड़ों में मत बताइए, 2013 में टोटल बजट जो था अगर वो 3500 करोड़ था और उसके बाद आपने 5000 करोड़ किया, उसके बावजूद अगर नेट वॉल्यूम की बात करेंगे तो 17% डाउन है। प्रवेश जी पे जो उन्होंने जवाब दिया उससे आप संतुष्ट हुए कि नहीं? मैं बताता हूँ, वो कह रहे हैं कि दंगाइयों के लिए कहा था। अरे मैम, ये तो मोदी जी जब कपड़ों से देश को, दंगाइयों को पहचान लेते हैं
पर दंगाइयों से आपकी क्यों इतनी मोहब्बत है? दंगा अच्छा लगता है? सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर अच्छे लगते हैं आपको? दंगाइयों से क्या मोहब्बत? हमने तो उनको जेल में भी डाला। अच्छा, सज्जन कुमार और सब कुछ किया। जगदीश कुमार आज भी जेल के अंदर। टाइटलर जी, उनको तो आपने सम्मानित किया। आज उनके ऊपर कोई केस नहीं है। ओह माय गॉड, आज उनके ऊपर कोई केस नहीं है। मैं अपनी बात के ऊपर स्टैंड करता हूं। पूरा कर ले। आज की तारीख में उनके ऊपर कोई केस नहीं है, अपनी बात पर स्टैंड करता हूं। सिख समाज सुने। अब मैं कहता हूं, आप दंगाइयों की बात कर रहे हैं, 96 सांसद ऐसे हैं आपके जिनके ऊपर हीनियस क्राइम का आरोप लगा हुआ है। अब आते हैं हिंदू टेरर पर। किसने कहा था, किसने थ्योरी दी थी? आर के सिंह ने प्रेस में आकर बाइट दी थी कि आरएसएस के तमाम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। कहां है आर के सिंह? केंद्र में मंत्रिमंडल है, केंद्र के मंत्री में मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, उनको हटाइए ना जरा। ठीक है, पूछिए उनसे कहां सबूत हो। एक बार बहस आगे ले जाएं। सैयद असलम साहब, जल्दी से जेडीएस से, उसके बाद एक एक करके मैं सबके पास आ रही हूं। सैयद असलम साहब, क्या आप भी यही बात सोच रहे हैं कि कादरी साहब को जानबूझकर कर्नाटक से दिया गया है पद्मश्री ताकि फायदा हो चुनाव में? देखिए अंजना जी, पहले तो मतलब शहजाद भाई बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पार्टी का डिफेंस कर रहे हैं। शहजाद भाई, आपको भाई बता दूं, मोदी जी जो सबका साथ और सबका विकास जो बोल रहे हैं, आप कर्नाटक में आप हिंदुत्व एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बना के रखे हैं। कर्नाटका में जो मेजोरिटेरियन पोलराइजेशन आप कर रहे हैं, आपको याद होगा पिछले 2 या 3 साल में आपने शुरू किया था मेजोरिटेरियन पोलराइजेशन विद हलाल इशू। आपको हलाल खाने से प्रॉब्लम है, उसको आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं। आप हलाल झटका के साथ किया, अभी काफी 1-2-3 दिन पहले या 1 वीक पहले एक हिंदू विंग राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैटल ट्रेडर को मार दिया था। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? अभी तक देर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन विच हैज कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। हिजाब, मैं आ रहा हूँ, हिजाब काफी बड़ा मामला है, मैं आ रहा हूँ। हिजाब का काफी बड़ा मामला था, बच्चों ने स्कूल और एग्जाम अटेंड नहीं किया। सर, आपके हाथ से फिसल रहा है मुस्लिम वोटर, दो शब्द उस पर भी तो बोल दीजिए। मैं बताता हूँ मैडम, कांग्रेस पर भरोसा कर रहे हैं, आपका उनको यकीन ही नहीं है कि किधर चले जाइएगा। अंजना जी, लोग कह रहे हैं अभी से बीजेपी के साथ आपकी बातचीत चल रही है। मेजोरिटेरियन पोलराइजेशन जो बीजेपी कर रहा है, शहजाद भाई जो बोल रहे हैं कंप्लीटली उल्टा बोल रहे हैं। ये हिजाब का इशू जो हुआ था, हजारों बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, तो जवाब दीजिए। इशू सैयद साहब, हजारों बच्चों ने एग्जाम्स नहीं दिया, उसके बाद आपने हलाल इशू बनाया। असलम साहब, जेडीएस से मुस्लिम मतदाता क्यों छिटक कर कांग्रेस की तरफ जा रहा है? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, आपको क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, लोग ये मानते हैं कि आप बीजेपी से बाद में हाथ मिला लेंगे। अंजना जी, मैं बता दूं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम साहब हैं, राइट? हमारा जो हम जो इस बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, पंचरत्ना प्रोग्राम पे कर रहे हैं। हम कम्युनल पोलराइजेशन नहीं करते, हम पंचरत्ना प्रोग्राम पे करते हैं। पंचरत्ना प्रोग्राम, वी आर प्रोवाइडिंग सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल्स इन एवरी तालुक इन एवरी पंचायत। मैं आपको बता दूं, वी आर फोकस्ड ऑन गिविंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। वी आर फोकस्ड ऑन गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ, वी आर फोकस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। मैं आपको और बता दूं, किसानों को मदद करना चाहते हैं ऑन द इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, बस इतना ना हो कि चाहत दिखाते दिखाते इन सामाजिक बदलावों की आपने बहुत देर कर दी। वारिस पठान साहब, एक एक करके मैं सबका कमेंट ले लूं, उसके बाद आएगा वारिस पठान साहब। तुष्टीकरण की राजनीति या यहाँ पर भी आप लोग सुलगाने के लिए पहुंचेंगे? वैसे ही साहब कितने बड़े फैक्टर बनेंगे? देखिए अंजना जी, बिल्कुल चुनाव तो लड़ेंगे पूरे देश भर के अंदर, कर्नाटका के अंदर भी लड़ेंगे, और कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कहाँ कहाँ से लड़ेंगे, वो तो सब पार्टी फैसला करके आपके सामने आ जाएगी, मगर बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। और हमको यकीन है, उम्मीद है कि कर्नाटका की जो आवाम जनता हमको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, और हमको इंशाल्लाह तआला जीत हासिल होगी। अभी आपने जो बात मैं सुन रहा था, सबकी वही चल रहा था कि किस तरह से मोदी जी सबके साथ की बात कर रहे हैं। अरे अंजना जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ही सबसे बड़ा एक जुमला है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के टाइम भी कहा था कि मुसलमान बहनें, मैं जो मुसलमान औरतें हैं मेरी बहनें, उन्हीं बहनों को कर्नाटका के अंदर ही उनकी बच्चियों को जब हिजाब पहनकर स्कूल में जाना था पढ़ने, तो आपने उनको रोक दिया हिजाब पे, तो आपने उनको एंट्री नहीं दिया वहां पे।
वहीं पर मोदी जी का ही लीडर बीजेपी का वहां कहते हैं कि हम इस बार का इलेक्शन जो लड़ेंगे कर्नाटका का लव जिहाद के नाम के ऊपर लड़ेंगे, तो क्या सबका साथ हुआ? वहीं पर कर्नाटका के अंदर ही बीजेपी ने भी 4% ओबीसी रिजर्वेशन मुसलमानों का हटा दिया। अच्छा, तो किस तरह से आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करो? आप देखा किस चीज पर लड़ेंगे? अभी शहजाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इतने मुसलमान, अरे लड़ेंगे आप किस बात पर? विकास की बुनियाद पर लड़ेंगे, लोगों को हक दिलाने की बात पर लड़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर लड़ेंगे। सबसे पहले तो ये लोग जो बोलते हैं ना मुसलमानों को खुश करने की बात, बताइए कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया इलेक्शन में लड़ने के लिए? साहब की बात आपको सुनने में अच्छी लगी या गलत लगी? बना दिया आपने वारिस जी, कादरी साहब की बात आपको अच्छी लगी या सुनने में? अरे यही तो लोग करते आ रहे हैं अंजना जी ने देखिए सुनने में तो अभी क्या है, कर्नाटका के अंदर भी सरकार 9 साल से आई है सत्ता में, बीजेपी आज पहले दिन तो आई नहीं, 9 साल तक इनको हमारे कादरी साहब बेचारे दिखे नहीं, अचानक से कादरी साहब को लाके उन्होंने दे दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन सबको समझ में आ रहा है अरे कर्नाटका का चुनाव आ रहा है, आपको तो पता है कि पैरों तले जमीन खिसकते जा रही है, मृत्युंजय जी और आनंद दुबे जी से कमेंट लेने होने वाला नहीं है। तीसरा तीसरा अर्जना जी मुझे खत्म कर लीजिए मेरी बात, कर्नाटका के अंदर इदरीस पाशा नाम का एक कैटल स्मगलर का सस्पिशन के ऊपर उसका मॉब लिंचिंग कर दिया, मोदी अपनी सियासत पर खामोश बैठते हैं। कर्नाटका के अंदर की मैं बात करना चाह रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक साथ नहीं प्लीज। अरे ट्रेडर कैटल ट्रेडर भी नहीं, वो सस्पिशन था, उसको लेके गए मार दिया, उसको क्या कि अमित शाह ने उल्टा लटका के मारा सब लोगों को। अभी तो अमित शाह ने कहा था कि कोई भी किस तरह का दंगा करेगा उल्टा लटका के मारेंगे, अब मारो चलो जिनको आपने अरेस्ट किया, वो तो अमित शाह का आदमी, वो तो बीजेपी का आदमी निकला। आप देखिए अंजना जी देश के अंदर एक तरीके से क्या होता है, अगर जिस कम्युनिटी का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो वो कम्युनिटी आगे कैसा बढ़ेगी? तो यही तो मेरा सवाल है कि आप बताओ कितने मुसलमानों को आपने आज तक, मैं लौटूंगी आपके पास ये पूछने के लिए, कितने को मंत्री बनाया, मैं लौटूंगी आपसे ये पूछने के लिए कि आपकी लड़ाई किससे है, कांग्रेस से है या बीजेपी से है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, गृह मंत्री जी ने ये बयान कहीं और नहीं बिहार में ही दिया था, दंगे के बीच वो वहां पर गए थे, और ये तुष्टीकरण का सबसे बड़ा आरोप बिहार की सरकार पर इस वक्त बीजेपी लगा रही है। इसका जवाब तो हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दे ही दिया। क्या ये बिहार की धरती है? हाँ। इसे भूल न करे कोई दूसरा राज्य समझने का, यहाँ तो सब उल्टा करने वाले को सीधा कर दिया जाता है जो उल्टा पुल्टा करता है। ये बुद्ध की धरती है बिहार, महात्मा गांधी की कर्म भूमि है बिहार, बिहार में कौन अंजना जी उल्टा और सीधा करके निकल जाएगा? ये पता है हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को भी, इसलिए वो सब नहीं चलेगा। आज जो प्रेम और प्यार दिखाया जा रहा है पुरस्कार के बहाने, बहुत देर कर दी हुजूर, अकलियत भाइयों के लिए सोचते सोचते आज 9 वर्षों में एक पुरस्कार के रूप में ही सही, कम से कम हमारे अकलियत भाइयों को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कार दे करके ये वायरल करा के ये हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी अभी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, भाई ये तो स्पष्ट दिखता है कि आज आप जब देख रहे हैं कि पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, हर जगह आप प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान भेज देंगे, मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट छीन लेंगे। अब ये बयान किनका है? किसने कहा है? बिहार विधानसभा में हमारे माननीय भाजपा के विधायक बच्चन जी ने कहा है, इस पर पूरा हंगामा खड़ा हुआ था। अब बताइए ये बात पाकिस्तान भेज देंगे किसने कहा था? आप भी जानते हैं, आप तो कवर कर रहे थे, इस बहस में भी हम आए थे। तो अब जो हितैषी बनने का हर चीज को वोट के चश्मे से ही देखा जाता है, यही बीजेपी के नियत में खोट है, इसलिए महंगाई और बेरोजगारी पर चोट नहीं होगा, लेकिन वोट के नियत से आप हर जगह अपने सुविधा के अनुसार अपना करते हैं। दुबे जी, देश के मुस्लिम मतदाता पर अब क्या सोच है? बाला साहब के शिवसेना से आते आते उद्धव गुट का शिवसेना बनते बनते क्या सोच है देश के मुस्लिम मतदाता पर? अंजना जी नमस्कार। हम महाराष्ट्र से आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जिस प्रकार हमारे राज्य के मुसलमानों ने साथ दिया, हिंदू स्वराज की लड़ाई में उनके साथ लड़े, वैसे ही उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, लेकिन फिर भी
300-400 साल से महाराष्ट्र राज्य का मुसलमान हमेशा से हमें सहयोग करता आया है। मुंबई और महाराष्ट्र में जब कोरोना तेजी से फैल रहा था, हमारे उद्धव ठाकरे जी ने न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न क्रिश्चियन देखा, न सिख देखा, सबकी मदद किया। और हम असली मायने में सभी हमारे हिंदू मुसलमान सबके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन हमें हैरानी तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बात करने लगती है। कादरी साहब टीवी पर कह रहे हैं कि मैं 9 साल से एक याचना किया था, एक अर्जी दी थी और आज मुझे दिया, मुझे इस बारे में पता नहीं। तो क्यों भाई, जैसे कहते हैं क्या खाने में पुलाव है, हाँ भाई लगता है चुनाव है। तो जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान दिखाई देने लगते हैं, लेकिन तब कहां चले जाते हैं जब उन्हें प्रतिनिधित्व देने का मौका आता है। हमारे महाराष्ट्र में शाबिर शेख हमारे भाई मुसलमान थे, विधायक थे, 3 बार थे, उनको मंत्री बनाने का भी काम बाला साहब ठाकरे जी ने किया। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते आए हैं कि भारत का सच्चा मुसलमान, महाराष्ट्र राज्य का सच्चा मुसलमान हमारा भाई है, जो देश की अस्मिता के लिए लड़ता है वो हमारा भाई है। लेकिन हैरानी तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बात करती है। अरे भाई, एक मुसलमानों के लिए आपने कोई काम नहीं किया, और मुसलमान तो छोड़िए हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं करते हो। अब जब आपकी नैया डूबने लगी तो कहते हो 300 पार 400 पार, मुझे तो लगता है कि नदिया के पार ना हो जाओ, नदिया के पार। चलिए जल्दी से प्रदीप जी, अब एक एक सोशियोलॉजिस्ट से पूरी बात समझते हैं। वो कह रहे हैं कि खाने में पुलाव है क्योंकि आने वाले चुनाव है। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम मतदाता का विश्वास जीत रहे हैं देश में, या फिर ये सिर्फ एक एक, एक फसाद बनाने की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश दिखाई देती है आपको? दो तीन चीजें हैं अंजना जी। एक तो बीजेपी, यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बीजेपी कहीं भी चुनाव होता है तो वो ये मानते हैं हमेशा कि हमारी गिनती -20 से चालू होती है। कहने का मतलब वो मानते हैं कि मुसलमान समुदाय हमको वोट नहीं करने वाला है तो हम -20 से चालू करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरी बात रह गई कि आज भाजपा जो है जीत के रथ पे सवार है, तो जो भी जीत के रथ पे सवार होता है वो कोशिश करता है कि सारी की सारी कंस्टिट्यूएंसी को काउंटर किया जाए। यानी पहले भाजपा कहलाती थी शहर की पार्टी, ऊंची जाति की पार्टी, अमीरों की पार्टी, उसके साथ देखिए अब वो गांव की पार्टी हो गई, ऊंची जाति से अब पिछड़ी जाति की तरफ आ गई। अब पिछड़ी जाति के साथ विस्तार करते करते अब जो मुसलमान कम्युनिटी रह गई है उसको कॉन्कर करना बाकी था, तो अब वो उस तरह से बढ़ चुके हैं। पहले अमीरों की पार्टी बोलते थे, अब जितनी भी आप जब भी स्कीम की बात करते हैं वो नेचुरली जो है करीब करीब सारी स्कीमें जो है वो बीपीएल फैमिली यानी गरीबों के लिए बनी है, तो अब वो गरीब को कॉन्कर करते हैं। तो ये एक जनरल फिनोमिना है कि जो भी कंसिस्टेंसी रह गई है, यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो नॉर्थ इंडिया से चलते चलते सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ ईस्ट तक, ईस्ट फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के तक उन्होंने जाके उसको कॉन्कर किया। अब जो रह गया है वो तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, जहां लोकसभा में बीजेपी की एक भी सीट नहीं है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके तहत जो है अपना बीजेपी विस्तार कर रही है, और उसमें मोदी जी जो है वो उनके फ्लैग बेरर है, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। तो बिना मुसलमान को लिए, लेकिन उसका दूसरा फायदा जो बीजेपी को मिलता रहा है, जैसे आप लोग अभी बहुत बात कर रहे थे कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों में भी बीजेपी जीती है, उसका कारण ये शायद नहीं है कि मुसलमानों ने वोट दिया है, उसका बड़ा कारण यह है कि उधर पे रिवर्स हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है और जिसके चलते बीजेपी को जीत मिली है। काउंटर कंसोलिडेशन की वजह से आप जीते हैं शहजाद जी, अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में आप जीतते हैं तो। सवाल जो बड़ा है, पहली लाइन सोशियोलॉजिस्ट की क्या निकली कि -20 से आप शुरू करते हैं, और क्या कहा था योगी जी ने, 80-20 वाला मामला क्या था? तो आप तो पहले से ही मानकर चलते हैं कि वो 20% नहीं होगा, हालांकि यहाँ आपके लिए थोड़ा बेहतर है, 13% ही मुस्लिम वोटर है। अंजना जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि 7+2 vs 1 का आपने पैनल बनाया। आपके सवाल अलग, प्रदीप जी की, कि आपकी आवाज इतनी ताकतवर, शेर अकेला ही घूमता है। अब मुझे पर मैंने देखिए, मैंने एक राजनीतिक और डिबेट की एक मर्यादा का पालन करते हुए किसी के समय पर जो उन्होंने बोला नहीं बोला, तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरे साथ भी यही न्याय किया जाएगा और आप उसको रोकेंगे अगर कोई अन्याय करता है। देखिए, मैं प्रदीप जी की बातों से, प्रदीप जी आजकल तो हम +20 से चलते हैं क्योंकि एक है मोदी जी का वक्तित्व और एक है राहुल गांधी का जो वक्तव्य,
ये वक्तव्य और व्यक्तित्व से तो हम +20 में हर जगह चलते हैं, पर उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक के बाद एक अभी एड्रेस करता हूं। देखिए सबसे पहले अभी दुबे जी से शुरू करते हैं। दुबे जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने एक राष्ट्रवादी मुसलमान शब्बीर को मंत्री बनाया, ये बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा थी। तो मैं अब एक बयान कोट करता हूं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट क्रेडिबल है ना, इंडिया टुडे ने छापा है, मुस्लिम राइट्स ऑफ वोटिंग शुड बी रिवोक्ड, संजय राउत। मैं इनसे पहला सवाल पूछूंगा कि क्या इस बयान से अभी भी इत्तेफाक करते हैं? ये सन कौन से साल की का बयान है यार, अब इसमें ये इनके दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये गया, आप फैक्ट चेक कर लो, अगर मेरी बात गलत निकलेगी मैं माफी मांग के डिबेट छोड़ दूंगा, तो प्लीज इंटरप्ट ना करें। इनका ये बयान है, मैं चाहता हूं इनके एलाई कांग्रेस है, ये उद्धव सेना के प्रवक्ता है, संजय राउत जी के प्रवक्ता है, क्या इस बयान से वो अडिग है, मानते हैं, सही है? और ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के सुरमा है, इस बयान पर क्या बोलते हैं? आरजेडी का भी इस पर वक्तव्य लीजिएगा। फिर उन्होंने एक और बयान है, इसमें संजय राउत ने कहा है कि 17 मिनट में हमने बाबरी मस्जिद को गिराई, क्या इस बयान को ये सेकुलर मानते हैं, क्या आज भी इससे एग्री करते हैं? पहला इनसे ये जवाब दे दे, और क्या आज भी ये बयानों पर कायम है? 13 अप्रैल 2015 सही है ये बयान था, मुस्लिम वोटिंग सही है बयान, झूठ नहीं बोल रहा है शहजाद पुनाव, थैंक यू वेरी मच। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं, आरजेडी के बयान पे आता हूं। आरजेडी ने कहा कि देखिए बहुत देर कर दी आते आते, और वोट जो है हमने, इन्होंने बीजेपी के एक नेता का नाम लिया कि वोट काट देंगे, ऐसा बीजेपी के नेता ने कहा है। आरजेडी के प्रवक्ता या तो इसका प्रमाण दे कि किस नेता ने यह कहा है नाम के साथ, जैसे मैंने संजय राउत का दिया, पर क्योंकि वो बयान उनको इतना आपत्तिजनक लगा तो हो सकता है कि संजय राउत के बयान पे ये कड़ा स्टैंड लेंगे, क्योंकि मैंने आपको संजय राउत का बयान बताया है। तीसरी बात, आरजेडी के एक नेता है, विधायक है, निहालुद्दीन, मोहम्मद निहालुद्दीन ने कहा है कि देखिए ये देखिए सासाराम में, आप कह रहे हैं ना कि हम लोग जो है वहां पे माहौल बिगाड़ रहे, सासाराम में विधायक कहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए मुसलमान युवक बना रहे थे बम। अब बताइए कि ये बयान जो है ये तो खुद उनकी सरकार पे सवाल निशान खड़े करता है। और देखिए रो रहा था बिहार, कोई मना रहा था जश्न इफ्तार, क्या वहां पे प्रभावित लोगों के घर में जिनको रामनवमी के अवसर पे पत्थर से मारा गया उनके घर गए नीतीश बाबू? नहीं गए होंगे। चलिए आते हैं अब AIMIM के ऊपर। AIMIM हमें बोल रही है कि सिलेक्टिव काम हो रहा है, भाई साहब आपके तो नाम में मुस्लिमीन है, हटाने की कोई प्रक्रिया शुरू है आपकी मुस्लिमीन के, उसी को रखेंगे? और उन्होंने ट्रिपल तलाक और हिजाब का की बात की, ट्रिपल तलाक और हिजाब दोनों पे फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, हिजाब पे ये कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए, क्या सुप्रीम कोर्ट भी मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कर रहा है? और ट्रिपल तलाक की मांग, उसको हटाने की मांग वहां की मुस्लिम महिलाओं ने किया, उनकी ये सबसे बड़ी मांग थी, परंतु जो शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक मुस्लिम कट्टरपंथी वोट बैंक के लिए महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं, वो अपने आप के लिए तो संविधान की बात करते हैं पर मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं करते हैं। और आते हैं आखिरी में, चलिए कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी सारी बातें की थी, और बादशाह साहब पर, बादशाह साहब आपने कहा कि कौन से स्कीम कौन से प्रोजेक्ट में है, मैं आपको बताता हूं, जब पीएम आवास जाता है तो उसमें 31% माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में जाता है, पीएम किसान जाता है तो 33% माइनॉरिटी को बेनिफिट मिलता है, पीएम उज्ज्वला जाता है 37% मिलता है, मुद्रा लोन जाती है तो 36% बेनिफिट मिलता है। हां हम हिस्सेदारी देते हैं देश के हर संसाधन पर, वो नहीं कहते कि देश के संसाधन पर एक समुदाय का, बस टिकट नहीं देते, टिकट की बात, हिस्सेदारी देते हैं। अंजना जी आपने अच्छा मुझे याद दिलाया, टिकट की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 से लेकर 1952 फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेकर 2004 जब तक कि मोदी वेव शुरू नहीं हुआ तब तक की बात करता हूं, कांग्रेस की प्रभावशाली पार्टी थी, केवल 5% मुसलमानों को टिकट और सीट मिले, मैं आपको बताता हूं, जबकि आबादी उनकी 14% थी। गुजरात में उदाहरण लेते, गुजरात में कांग्रेस ने 95 मोदी जी के आने से कई वर्ष पहले 10 से ज्यादा टिकट, वहां पे आबादी 10% है मतलब 18 टिकट देना चाहिए, कभी गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने 18 टिकट मुसलमानों को नहीं दिए, विनेबिलिटी वो भी देखते हैं। और मैं एक चीज बोलता हूं, टिकट छोड़िए ना, इनके तो महाशय ने कहा है कि वोट नहीं होना चाहिए, उसमें पहले छोटे छोटे दो लाइन। देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी राजनीति करती है, जो राजनीति की इमारत बनाती है, उसमें धर्म की ईंटें होती हैं और जातिवाद का मसाला होता है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होता है। आप 2019 को देख लीजिए, 2019 के अंदर जहां जहां हिंदू मुस्लिम कर पाए, ये पंजाब नहीं कर पाए हार गए, उड़ीसा नहीं कर पाए हार गए, वेस्ट बंगाल, साउथ इंडिया, जहां जहां हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाए वहां वहां बीजेपी हारी, जहां जहां हिंदू मुस्लिम कर पाए वहां पर जीते। और ये दो लाइन से, 20% से नहीं 40% से शुरू होते हैं, कर्नाटक में 40% की कमीशन की सरकार चलाते हैं, 40% से तो शुरू होते हैं। देखिए शहजाद पूनावाला जो बोल रहे थे, इनको ये अच्छी तरह पता है, ये दंगा का जो दाग है, जो छीटा लगा है भाजपाइयों के ऊपर, दंगाई को संरक्षण देने का ये दाग भूलने वाला नहीं। अच्छा, पुलिस ने जांच कर ली, पुलिस ने जांच कर ली, गई। नाम बताइए सर, सारे चीजों की जांच हो रही है, नाम बताइए, और एक एक चीज का जांच होगा, एक एक चीज का खुला। तमिलनाडु मामले पर क्या हुआ था,
फेक वीडियो के माध्यम से कहा जा रहा था कि बिहारियों को पीटा जा रहा है, उसमें एक्सपोज हुए थे भाजपा। अंजना जी, अंजना जी, शहजाद पूनावाला जी की याददाश्त बड़ी कमजोर लग रही है। जब आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी से पूछा गया कि आपके शिवसैनिकों ने बाबरी मस्जिद को ढहाया है, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यदि उन्होंने ढहाया है तो इस पर मुझे गर्व है, और वही गर्व आज भी है, वही गर्व कल भी रहेगा। हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नकली हिंदू असली हिंदू को सर्टिफिकेट कब से बांटने लगे? पहले तो आप नकली हिंदू कह रहे हो। एक सेकंड भाई, आलोक जी, मैं एक लाइन बोल दूं। आलोक जी, आपको गुस्सा आया कि नहीं आया आज? दो लाइन। देखिए, मुसलमानों के वोट तो सबको चाहिए, मगर मुसलमानों के लिए करना कुछ नहीं है। 90% मुसलमानों के वोट तमाम सेक्युलर जिसकी वजह ये अद्भुत नकली हिंदू कह रहे हो। हाँ, कहने दीजिए, गगन चुंबी राम मंदिर किसके कालखंड में बन रहा है? अच्छा, शिवसेना। शिवसेना हमारे साथी है, शिवसेना हमारे साथी है, राम मंदिर के लिए, शिवसेना हमारे साथी है। देखिए, नारे लगाना है तो आप साथ राम मंदिर का क्रेडिट न लें। आप राम भगवान के नाम पे राजनीति न करें। मैं इस प्रकार की नारेबाजी करना है तो नारे लगाए। देखिए, मैं तो क्या अद्भुत है, एक की पार्टी ने कहा था हम बाबरी बनाएंगे, एक कहता हमने बाबरी गिराई, ये किस प्रकार का अवसरवादी गठबंधन है? राम मंदिर किसके कालखंड में और किसके प्रयासों से बना, और कौन राम मंदिर के खिलाफ काले कपड़े पहनकर भूमि पूजा कर रहा था? देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।